Assalamualaikum students, एक बार फिर आपको खुशामदीद Neutrons and Coaching Center के प्लेटफॉर्म से आपको सर उबैद अहमद खान आपके खिदमत में हाजिर. और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और अगर आप केमिस्ट्री को जो है वो समझ रहे हैं और आपको इतना भी मतलब बिल्कुल पता होगा कि केमिस्ट्री जो है वो बेस करती है किसके ऊपर, केमिस्ट्री जो है वो बेस कर रही होती है मैटर के ऊपर. केमिस्ट्री जो है वो मैटर के ऊपर जो है वो क्या करती है, बेस करती है. और मैटर जो है वो जो बना हुआ होता है, इंशाल्लाह हमारी अपकमिंग वीडियोस में मैं लाजमी जो है वो डिस्कस करूंगा थोड़ी सी मजीद बेसिक्स की तरफ, थोड़ी सी और गहराई में हम लोग जाएंगे कि जनाब मैटर जो होता है ये बेसिकली है क्या. क्योंकि हम अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए. लेकिन आज की वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे मैटर जिस पर बेस करता है, मैटर जिससे बना हुआ होता है, मैटर जिससे कंपोज हुआ होता है. और आपको पता है वो चीज जो है वो क्या होती है, एटम. असल चीज जो केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो है मैटर. और मैटर जिस चीज पर बेस कर रहा है वो क्या है आपके पास, एटम. आज जो आपने टॉपिक का नाम पढ़ा है वो बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन. ये सैंबल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये सैंबल रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटोन को, और ये सैंबल न्यूट्रॉन को. क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है तो ई निगेटिव है, प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पी पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है. एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल. तो लिहाजा इसके ऊपर हमने क्या लिखा है कि ये चार्ज क्या है, जीरो है. चलो बच्चों, तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम कोई भी एटम हमें दे दिया जाए, हम उसके इलेक्ट्रॉन, उसके प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन जो है वो कैसे निकालेंगे. अगर एग्जिस्टेंस आपको मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एटम को लो तो एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं. और रदरफोर्ड के मुताबिक जो है इसने सेंट्रल पार्ट को क्या कहा था, इसने सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस का नाम दिया था. ये बात भी आप सब बच्चे जानते हैं, इसने सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस का नाम दिया था. और उसने कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो चीजें रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, क्या है, इलेक्ट्रॉन. आज की वीडियो में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में इतना ही जाने. इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको डिस्कवरीज पढ़ाऊंगा इन तीनों की, कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ, प्रोटॉन कैसे और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुआ. लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके पास कोई भी एटम मौजूद हो, आप उस एटम का कैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कैसे प्रोटॉन निकालोगे और कैसे न्यूट्रॉन निकालोगे. तो हम जो है वो अपनी जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, तो हमारे पास सबसे मेन चीज जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास किसी भी एटम का, अगर आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, प्रोटॉन फाइंड आउट करना है, न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है, दो चीजें आपको चाहिए. वो दो चीजें क्या है वो भी मैं आपको बता दूं. एक चीज जो है वो है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर जो है वो एक चीज है, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और दूसरी चीज जो आपको चाहिए तीनों चीजें निकालने के लिए वो है एटॉमिक मास, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मास नंबर भी बोलते हैं. तो ये आपके पास जो है वो दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कि आपके पास एटॉमिक नंबर आपको चाहिए, आपको एटॉमिक मास चाहिए. अगर आपके पास ये दो चीजें मौजूद है तो आप बिल्कुल जो है वो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, प्रोटॉन निकाल सकते हो और न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो. अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं. मैं आपको इसके लिए जो है एक डायग्राम दोबारा बनाता हूं और आपको उस डायग्राम की मदद से समझाता हूं. वही एटम का स्ट्रक्चर हम दोबारा बनाएंगे. और एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम का ये स्ट्रक्चर है, ये प्रोटॉन आ गया, ये न्यूट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन. ये है एटम का स्ट्रक्चर. और इस एटम के स्ट्रक्चर में आपने वाजे चीज जो है वो क्या चीज नोट करनी है, वो ये नोट करनी है कि
हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के डायग्राम को देखते हुए हम किस तरीके से उसका मास नंबर या एटॉमिक नंबर जो है वो निकालेंगे। देखो किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं याद रखना उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ये अपने भेजे में जो है आप बिठा ले, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन है। लेकिन बात यह है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन कैसे पता चलेंगे। याद रखना बच्चों, जितना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जितना होगा, Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो एक कंफ्यूजन तो क्लियर हो गई कि आप एटॉमिक नंबर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। या आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की मैंने आपको दो डेफिनेशन, दो तारीफ आपको बता दी। चलो बच्चों, अगर ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, अब बहस करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक मास या व्हाट इज मास नंबर। एक ही चीज के दो नाम है, एटॉमिक मास और मास नंबर। आप अगर प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन को भी ऐड कर ले, ओवरऑल प्रोटॉन के साथ जब न्यूक्लियस ऐड हो जाता है तो ये चीज क्या बन जाती है, चीज बन जाती है न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का जो मास होता है, जो नंबर होता है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, यानी कैपिटल ए। तो आज की क्लास के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये हम कैसे निकालते हैं। चलो बच्चों, मैं आपको जो है वो जाहिर है मिसाल के तौर पे लास्ट वीडियो में हमने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आप कोई भी चीज बनाने जा रहे होते हो, आप कुछ भी जो है वो घर में आप खाना भी बना रहे हैं, बिरयानी भी बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, क्योंकि बिरयानी हमें मुझे बहुत पसंद है इसलिए तो मैं बिरयानी का नाम अक्सर अपनी वीडियोज में लाजमी देता हूँ। तो बिरयानी अगर आप बना रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ चीज चाहिए। ऐसे ही मैंने आपको कहा था कि आपको अगर ये चीजें फाइंड आउट करनी है तो आपको दो चीजें चाहिए, एक चीज आपके पास क्या है ए, और दूसरी चीज आपके पास क्या है जनाब, दूसरी चीज आपके पास Z। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए या एग्जामिनर आपको देगा। अगर आपका लेवल बड़ा है, आपका बेसिक लेवल नहीं है, आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द ए ऑफ एलिमेंट एंड व्हाट इज द Z ऑफ एलिमेंट और एटम। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। This is the basic formula. ये एक basic formula है किसी भी एटम के अंदर number of neutron को निकालने का। तो आप इसको जो है वो copy भी करें कि number of neutron जो है वो कैसे निकलेंगे, n is equals to a minus z। यहाँ पर n का मतलब है number of neutrons, number of neutrons। इस n का मतलब है number of neutrons। a का मतलब आप जानते हैं atomic mass। A का मतलब क्या है, एटॉमिक मास या मास नंबर भी इसको बोलते हैं। और Z क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, सही है बच्चों। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में मैंने, क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आसानी से पता चल जाएंगे, अगर आपको किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर पता है तो मैंने आपको कह दिया कि उसके अंदर जो है उतने ही क्या मौजूद होंगे, प्रोटॉन, और उतने ही क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन। सही है, ये तो बराबर है, ये इज इक्वल्स टू की साइन लगाइए, सही है, इज इक्वल्स टू, सही है। तो ये तो बेसिक बात पता चल गई, लेकिन आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे इस फॉर्मूले से। क्या है फॉर्मूला, एन इज इक्वल्स टू ए माइनस जेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, A is the symbol of atomic mass or mass number. Z is the symbol of atomic number. आप किसी भी एटम के एटॉमिक मास को माइनस करवा दीजिए किससे, मास नंबर से, सॉरी एटॉमिक नंबर से, तो आपके पास क्या चीज आपको पता चल जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
पता चल जाएंगे, तो इसको भी आप कॉपी करिए। ओके बच्चों, तो अब हम जो है वो थोड़ी सी और मजीद बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई एटम दिया हुआ है और बोल रहा है, हम थोड़े से पहले बेसिक एटम्स लेंगे, उसके बाद आपको जो है वो कुछ खतरनाक चीजें जो है वो आपको बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। चलो बच्चों, पहला हमारे पास एक वो है कि एटम कैल्शियम, ये सी किसका सैंपल है, कैल्शियम का, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40। तो अब हमने जो है वो इसका क्या निकालना है, हमने इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमने क्या करना है बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो डेटा बता लें, डेटा में आप ये लिखेंगे एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, मेरे पास टाइम कम है तो ज्यादा मैं आपको सैंपल लिखूंगा, एटॉमिक नंबर हमेशा कम होता है और ज्यादातर आपको वो नीचे दिया जाएगा, इस तरफ सही है, इस तरफ दिया जाए, नीचे दिया जाएगा आपको, वो कम होता है। तो आपने लिख दिया 20 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है आपके पास, एटॉमिक मास कितना है बेटा 40, आप चाहे तो यूनिट लगा दें AMU, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, सही है बच्चों। तो ये आपके पास जो है वो कैल्शियम का जो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो आपको पता चल गया कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो दिया हुआ। अब हमने करना क्या है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड के अंदर जो है वो जो चीजें चाहिए हैं वो हमसे पूछ रहा है कि भाई क्या निकाल के दो, वो हमें बोल, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हम, ये हमारा मार्कर जो है वो नहीं चल रहा है। देखिए वो हमसे ये बोल रहा है कि जनाब आप हमें ये बताइए के इलेक्ट्रॉन क्या है, जनाब इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन क्या है ये बताइए, और न्यूट्रॉन क्या है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो आप यहां तक कॉपी करिए जल्दी से, शाबाश। ओके बच्चों, तो उसने आपको रिक्वायर्ड दे दिया, डेटा आपने बना लिया, अब आपके काम है कि सॉल्यूशन में आपने जो है वो क्या क्या चीजें करनी है। तो आपने यहां पर लिख लिया सॉल्यूशन, अब आपके पास मौजूद है वही वाला फॉर्मूला। आपको मैंने एक बात बता चुका हूं कि जितना आपके पास एटॉमिक नंबर है, आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो भाई इस बात से तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास आ गए जनाब कितना है इलेक्ट्रॉन्स 20, और प्रोटॉन भी कितने आ गए, प्रोटॉन भी तुम्हारे पास कितना आ गया 20। तो यहां पर चाहो तो ऐसे लिखो इलेक्ट्रॉन्स पूरा करके और आगे लिखो प्रोटॉन्स। नाउ बच्चों बात यह है कि हमने जो है वो अपनी जो है रिक्वायर्ड की 1 2 3 चीजें तो हमने निकाल ली है, 1 और 2 जो रिक्वायर्ड था हमें निकाल लिया है, हमें जो है वो 3 निकालना, वो क्या है न्यूट्रॉन एन, एन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्या है ए माइनस जेड, ए कितना दिया हुआ है आपके पास 40 और जेड आपके पास बेटा कितना है 20, तो 40 माइनस 20 आप कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यूज निकल कर आ जाएगी वो क्या होगी 20 न्यूट्रॉन्स, आप चाहे तो इसको लिख लीजिएगा सही तरीके से 20 न्यूट्रॉन। तो हमने आपको जो है इस सवाल को लेकर हमने आपको ये बताया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन मौजूद है और आपसे बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एटम्स, तो आप किस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, किस तरीके से प्रोटॉन और किस तरीके से न्यूट्रॉन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो आपके पास एटॉमिक नंबर है यानी जेड और एटॉमिक मास है यानी ए, तो ये आपको पता होना चाहिए या वो आपको बेसिक लेवल पे देगा भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, इसको कॉपी करिए फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ जो है वो खतरनाक तरीके का क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा ये आपको
रफ कर लेता हूं। अब मिसाल के तौर पे वो आपको एटम नहीं दे रहा, अब वो आपको एटम नहीं दे रहा, अब वो आपको जो है वो इसको भी मिटा देते हैं हम, अब वो आपको जो चीज दे रहा है उसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं ये आप लोगों ने मुझे बताना है। मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि सी ए, अब सी ए को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, एम जी को ले लो, एम जी, अब एम जी के बाद आपके पास आ गया प्लस टू, अब वो आपको एटम नहीं दे रहा है, अब वो आपको दे रहा है आइंस। क्या दे रहा है? आइंस। पहले मैंने आपको बताया कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ऑफ एटम, एटम पर, एटम तो अभी भी है लेकिन अब एटम पर चार्ज आ गई है, कभी भी एटम पर चार्ज आ जाए, प्लस आए या माइनस आए, उसको वो एटम नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? आइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? आइंस। सही है बच्चों? तो हमारे पास जो प्लस आइन है वो तुम्हारे पास क्या है? एम जी प्लस टू है, प्लस आइन हमारे पास मौजूद है। और हमारे पास जो है एक मिसाल के तौर पे मैं आपको जो है माइनस आइन भी दिखा देता हूं कि ओ माइनस टू, ओ माइनस टू, तो ये भी आपके पास एक आइन मौजूद है। हो गया बच्चों? तो हम बात कर रहे थे कि अब हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके निकालने हैं? आइंस के निकालने हैं। आइंस क्या होता है? जब भी एटम के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज आ जाए तो वो क्या कहलाता है? आइन। मिसाल के तौर पे सीएल माइनस वन। अब ये मतलब आपने समझना है कि प्लस कब आता है और माइनस कब आता है, वो तो मैंने आपको समझा दिया कि प्लस चार्ज वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको, अच्छा ये नहीं बताया मैंने आपको प्लस माइनस, मैंने आपको ये बताया कि उनको आइंस बोलते हैं। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपके पास, अगर आपके पास जो चीज मौजूद है वो प्लस चार्ज रख रही है तो प्लस चार्ज वाले को हम बोलते हैं कैट आइन। क्या बोलते हैं? कैट आइन। या इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं? कैट आइन। और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? एन आइन, निगेटिव। सही है बच्चों? अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आप कभी चार्ज मत भूल जाए, आप बोले सर कैट आइन, कैट का लफ्ज तो कैथोड के लिए इस्तेमाल होता है और कैथोड तो निगेटिव होती है, और एन का लफ्ज जो है वो प्लस के लिए इस्तेमाल होता है, सही, सॉरी एनोड के अंदर, एनोड के लिए इस्तेमाल होता है, और एनोड तो प्लस है, पॉजिटिव है, तो यहां पर तो नेगेटिव इस्तेमाल करते जनाब। बच्चों अब हमारे पास मिसाल के तौर पे एक सेल ले लो, उसमें एक को बता दो कि ये एनोड है और ये चीज हमारे पास क्या है? कैथोड है। कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, सही है, एनोड पे प्लस चार्ज होता है, कैथोड माइनस, एनोड प्लस। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई भी इसके अंदर आइंस मौजूद है, कोई भी सॉल्यूशन मौजूद है, मिसाल के तौर पर फर्स्ट कर लीजिए इसके अंदर सॉल्यूशन है NaCl का, अभी जो NaCl का जो सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद है, अब जब ये टूटेगा तो आपको पता है Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है, जब ये टूटेगा तो जब मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो अभी आपसे कितना जाने कि ये टूटेगा, जब ये टूटेगा जब ब्रेक होगा तो Na जो है वो कहां डिपोजिट होगा? इधर आकर, क्योंकि Na कैथोड पे आकर डिपोजिट हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटायन। अब समझ में आया कि कैटायन पर प्लस चार्ज कैसे होता है? कभी भी भूल जाओ तो ये डायग्राम बना लेना, मैंने आपको एक नुस्खा सिखा दिया, और फिर आपके पास सीएल मौजूद है तो ये सीएल इधर आ जाएगा, यानी एनए। अब कभी भी कोई आपसे पूछे ना भाई मुझे एक्सप्लेन करो, वेरीफाई करो व्हाई कैटायन कैरी पॉजिटिव चार्ज, व्हाई एनएन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो सीधा सीधा उसको डायग्राम बनाना और डायग्राम बनाकर उसको बता देना, उसको दिखा देना, और वो आपको जो है वो ये चीज आपको बता देगा, समझा देगा कि भाई हाँ वाकई आपको जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? क्लियर। सही है बच्चों? अब हमने आपको ये बताना है कि अगर किसी भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है तो इसका मतलब क्या होता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि प्लस चार्ज है तो उसको कैटायन बोलेंगे, माइनस चार्ज है तो उसको एनायन बोलेंगे, ये आइंस, सिंपली क्या है? ये आइंस है। लेकिन बच्चों अगर मिसाल के तौर पे वो आपको बोले कि भाई इन आइंस का आप निकाल के दो हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्या आपके जहन में सवाल क्रिएट हो रहा है? क्या इसका तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा?
तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और वो बेटा चीज क्या है याद रखना, कभी भी किसी एटम पर प्लस चार्ज आता है तो वो जब आता है, जब वो क्या होता है, डोनर होता है। क्या होता है? डोनर। और किसी भी एटम पर जब निगेटिव चार्ज आता है, जब आता है, जब वो क्या होता है बेटा, एक्सेप्टर होता है। ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि प्लस चार्ज कब आता है और माइनस चार्ज कब आता है। प्लस चार्ज जब आता है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और माइनस चार्ज कब आता है, जब कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। इधर प्लस टू का मतलब क्या है, इधर प्लस टू का मतलब यह है कि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। और मैंने आपको एक बात बता दी है बच्चों कि जितना आपका एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन्स में कमी होगी तो प्रोटॉन में भी कमी होगी, प्रोटॉन में कमी होगी तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर क्या होगा, कम होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको Mg का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए 12 और एटॉमिक मास दे दिया जाए 24, अब बोले कि आप जो है जनाब इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ। मैं इसका डेटा गिवन रिक्वायर्ड वगैरह नहीं लिख रहा, वो आप लोग खुद करिएगा। बड़ा आसान है बच्चों, देखो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो वैसे 12 है, लेकिन प्लस टू का मतलब क्या है, प्लस टू का मतलब यह है कि दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, दो इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है, तो यहां पर क्या लिख दो, ये माइनस टू, तो 12 माइनस टू कितना हो जाएगा 10। ये लाजमी करिएगा, ये मत भूलिएगा कि आप डायरेक्ट 12 से माइनस करवाए वाला आप लिखते हैं, नहीं। अब आपके पास एटम नहीं है, अब आपके पास क्या मौजूद है, अब आपके पास आयंस मौजूद है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमारे पास 24 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने लिखा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला ए माइनस जेड, तो अब देखो एटॉमिक मास तुम्हारे पास 24 है और एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास 10 है, ये वाला मत लिख दिएगा, ये वाला लिखिएगा। तो 24 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 14, तो ये आपके पास आंसर आ गया 14 न्यूट्रॉन। ये चाहे आप हमेशा याद रखिएगा, अभी मैंने प्लस टू था तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, अब इस वाले केस में माइनस टू है तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूंगा। मिसाल के तौर पे ये भी मैं आपको करके बता देता हूं, आप पहले इसको कॉपी कर लें। ओके बच्चों, अब मेरे पास दूसरी एग्जांपल है ओ माइनस टू, अगर ओ माइनस, अच्छा याद रखिएगा, अच्छा एक बात बताना भूल गया, Mg के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, प्रोटॉन्स कितना हो गया 10, और एटॉमिक नंबर कितना हो गया 10, सही है। न्यूट्रॉन मैंने आपको निकालना बता दिया, सही है बच्चों। अब हम आपको समझाते ही हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो माइनस वाला यानी NN मौजूद है कोई, जैसे O माइनस टू, तो अब आप इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। देखो बड़ा आसान है, माइनस टू का मतलब यह है कि एड हो रहा है, क्या हो रहे हैं, एड हो रहे हैं, तो मतलब कोई एक्सेप्ट कर रहा है, कोई डोनेट कर रहा था ऑक्सीजन ने वो एक्सेप्ट कर लिया, सही है। इतना आपको पता होगा सही, क्योंकि जब हम बॉन्डिंग पर आएंगे, जब हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको जब ये चीजें बताएंगे कि आपके पास जो है ये जब क्या होता है इसका मतलब, तो आपके पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू वैसे कितना होता है 8 और 16, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, मैं आपको इधर लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो 8 है तो 8 के अंदर प्लस 2 कर देंगे, ये बात याद रखिएगा, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। तो अब बड़ा आसान है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा 10, इसके प्रोटॉन्स भी कितना होगा 10, सही है बच्चों। इसके न्यूट्रॉन्स कितने हो गए ए माइनस जेड कर लो, ए आपके पास कितना है बच्चों 16, जेड आपके पास कितना है बच्चों 10, तो 16 माइनस 10 कितना आ गया 6 न्यूट्रॉन्स आ गए, इसकी कितना आ गया 6 न्यूट्रॉन। तो मैंने आपको जो है इस वीडियो के अंदर आपको मैंने एटम्स के अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हो तो वो भी निकाल सकते हो, अगर एटम के ऊपर कभी चार्ज आ जाए, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं आइंस, अगर उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने का या न्यूट्रॉन निकालने का बोले तो आप वो भी निकाल सकते हैं, इसको कॉपी। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये समझाया कि आपके पास, अच्छा अब ये लेवल, ये सवालत एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये सवालत बड़े इजी से आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको बोल दे
कि भाई प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं कि होम टास्क के लिए आपने क्या करना है, ताकि आप जो है वो घर पे बैठ के जो है वो ये काम अंजाम दें कि आप घर पे जो है वो किन किन एलिमेंट्स के जो है वो निकाल सकते हैं। आप जो है वो कोशिश करिएगा एल्यूमिनियम Al+3, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, एटॉमिक मास 27 होता है, ये आपके पास क्वेश्चन है। फिर आप कोशिश करिएगा Zn+2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, एटॉमिक मास होता है 65, सही है। उसके बाद आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको मैं आसान वाली भी दे देता हूँ, सिलिकॉन, इसका एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास होता है 28, सही है। और उसके अलावा मैं आपको फास्फोरस दे देता हूँ, फास्फोरस इसका होता है 15 और 31, सही है बच्चों। तो अच्छा नेगेटिव वाली भी ले लो, नेगेटिव में एक आप जो है वो करना क्लोरीन Cl-1, 13, 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 35.5 इसका एटॉमिक मास होता है, सही है बच्चों। तो ये आप लोगों ने घर पर लाजमी ट्राई करना है। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये आपके एमसीक्यूज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप फिजिक्स पढ़ें, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ें, मैट्रिक के तालबे लिए में, चाहे आप 9 के हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के, किसी भी लेवल पे आपको ये टॉपिक आना चाहिए कि हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या किसी भी आइंस के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे बच्चों इंतजार करना, और इंशाल्लाह आपको उस्ताद उबैद अहमद खान एक बार फिर जल्द हाजिर होगा। और जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।